तो हे फ्रेंड्स यार, फाइनली हमारा इवेंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यार देखो, इस वीडियो को आप एंड तक देख लोगे तो आपके जो ए टू जेड डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो जैसे इवेंट यहाँ पे ओपन होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे पहले देखने के लिए मिलेगा, तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं तो बोलता हूँ यार, इस वाले एक वीडियो को देख लीजिए एंड तक, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 17 दिसंबर सुबह के 10 बजे इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक गो का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन में एक रिपेयर का ऑप्शन है, रिपेयर कर दोगे तो यहाँ पे पावर स्टेशन हमारा एक्टिव हो जाएगा। आप एक एक बात ध्यान से सुन लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक घंटे की स्पीड में यहाँ पे देखो, मतलब कि प्रति ओवर आपको 480 का एनर्जी वाला टोकन देगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मिशन कंप्लीट किया, रिपेयर किया, तो क्लेम का एक ऑप्शन आया जहाँ से ये वाला टोकन मिला। तो इस टोकन का नाम मेरे ख्याल से कुछ ब्लू फ्यूल ग्लेयर, इस तरह से इस टोकन का नाम है, जो कि आफ्टर अ मैच ड्रॉप भी आपको मिलेगा। फिर यहाँ से और एक ग्लो, मतलब कि गो का ऑप्शन आ रहा है और टाउन हॉल पे ले जा रहा है, और टाउन हॉल में जाके लेवल अप का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको प्रेस कर देना पड़ेगा। फिर से गो का ऑप्शन आ रहा है, एक टोकन आपको मिलेगा यहाँ से और रिपेयर करने में। तो अभी देखो, फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा फर्नेस वाली फैक्ट्री में। तो ब्लास्टिंग, मतलब कि ब्लास्ट फर्नेस लिखा है, वहाँ पे जाके रिपेयर कर देना, ताकि ये वाली हमारी जो फैक्ट्री है वो भी एक्टिव हो जाएगी। फिर से क्लेम का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपको एक और टोकन मिलेगा, जो ब्लू हमारा फ्यूल ग्लेयर टोकन है ना, और एक आपको मिलेगा। बेसिकली आफ्टर अ मैच ड्रॉप भी आपको मिलेगा, लेकिन ये सुबह के 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखो, इस टोकन का काम क्या है, और ये दो फैक्ट्री अभी फिलहाल एक्टिव हो चुकी है। तो एक्सेलरेट यहाँ पे करोगे तो आपको तुरंत यहाँ पे टोकन मिलेंगे, वरना आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक घंटे का यहाँ पे आपको प्रोडक्शन है, 480 का देता है। तो यहाँ से देखो, जैसे ही एक्सेलरेट किया, फिर से मुझे और 300 टोकन मिले, कुल मिला के 600 एनर्जी वाले टोकन आपको पावर स्टेशन से मिलेंगे। और आप देखोगे टाउन हॉल में, तो टाउन हॉल को यहाँ पे लेवल 3 का करना है, तो आपको यहाँ पे 3 टाइप के टोकन चाहिए रहेंगे। एनर्जी वाला टोकन आपको पावर स्टेशन से मिला, फिर ये दूसरे टाइप का जो मटेरियल है वो आपको फर्नेस से मिलेगा, यानी कि फर्नेस वाली फैक्ट्री से। तो यहाँ पे जैसे ही एक्सेलरेट करोगे 300 टोकन मिले, देख लीजिए। तो यहाँ पे इसका भी एक, मतलब कि आपको एक घंटे में इतना प्रोडक्शन देगा वो तो होता ही है, लेकिन टोकन से तुरंत यहाँ पे मिलेगा। तो अभी इस टोकन का क्या काम है, देखो अभी ये देखो, केमिकल प्लांट और यहाँ पे माइनिंग स्टेशन, ये अभी बेसिकली हमारे ओपन नहीं होंगे। क्यों ओपन नहीं होंगे? क्योंकि जो हमारा टाउन हॉल है वो अभी लेवल 2 का है, अभी इसको लेवल 3 का करना पड़ेगा। फिर माइनिंग स्टेशन को ओपन करने के लिए लेवल 6 का करना पड़ेगा। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन था विजिट फ्रेंड का ऑप्शन, तो विजिट फ्रेंड का ऑप्शन करके आप 5 फ्रेंड की हेल्प कर पाएंगे। और वहाँ से 5 कोई से भी फ्रेंड को आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड की यहाँ पे टाउन हॉल में जाके, यहाँ पे देखो पावर स्टेशन है, ब्लास्ट फर्नेस है, वहाँ पे जो चमक रहा है 480 लिखा है, आपको एक घंटे में देगा, वहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा, तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा और उसको भी मिलेगा। फिर बैक का ऑप्शन है, तो आप अपने टाउन हॉल में आ जाएंगे। इस तरह से 5 बंदों की आप हेल्प कर पाएंगे। तो ये डेली 4 AM रिफ्रेश होगा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा वो आगे बताता हूँ। अभी प्रोसेसिंग प्लांट में आ जाते हैं। तो देखो, एनर्जी वाला मटेरियल पावर स्टेशन से मिला, फिर ये वाला मटेरियल ब्लास्ट फर्नेस से मिला। तो इसको मिला के यहाँ पे देखो, ये सेंटर ऐसा कुछ लिखा है, तो सिंथेसिस ऐसा कुछ लिखा है ना, तो इसका यूज़ क्या रहेगा, दोनों को मिला के ये वाला कॉम्बो बना है। तो यार अभी देखो वो भी बताता हूँ, और ये वाला यहाँ पे मिला है। तो अभी यार बस आप क्या करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन कॉल पर डाल दीजिए। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब भी जरूर से कर ही देना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी प्रोसेसिंग प्लांट में मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो हमको मटेरियल वगैरह मिलेंगे ना, जो 4 फैक्ट्री होगी, तो यहाँ से आप कॉम्बो कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे टूल बॉक्स बन रहा है, मेडिकेट बन रही है, लेकिन ये अपग्रेड करने के बाद बनेगा, लेवल 2 तक आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे डेजर्ट ईगल भी मिल रही है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, कमांड सेंटर में। तो कमांड सेंटर भी डेली 4 AM रिफ्रेश होगा। तो देखो अभी मैं उसका भी आपको बता देता हूँ, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे ये यहाँ पे देखो, वो मटेरियल यहाँ पे आप बेच सकते हो, यानी कि कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ होगा। आप जैसे ही कंप्लीट करोगे 3 टाइप के आपको टोकन मिलेंगे। तो ये रहेगा न्यू एज का हमारा कॉइन टोकन, जो कि स्टोर में यूज़ होगा। बाकी के 2 टोकन कहाँ पे यूज़ होंगे वो भी बताता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और बाकी के मटेरियल कब काम आएंगे वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये पहला टोकन कॉइन वाला रहेगा, यानी कि न्यू एज कॉइन टोकन इसका नेम होगा। तो इसको स्टोर का एक ऑप्शन है, क्लासिक स्टोर रहेगा, हमारा रहेगा प्रीमियम स्टोर। तो क्लासिक स्टोर में से आपको मिलेगा हमारा ये मेल वाला बंडल, साथ ही साथ यहाँ पे मॉन्स्टर का स्किन होगा और भी रिवॉर्ड होंगे। और प्रीमियम स्टोर में से आपको 100% फीमेल वाला बंडल भी मिलेगा, साथ ही साथ वाउचर भी मिलेंगे और एक दो रिवॉर्ड हो सकते हैं।
तो इतना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड अभी रिवील नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे ही टैप कर रहा हूँ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो एक कॉइन टोकन का आपको पता चल गया। तो अभी हम फिर से आ जाते हैं कमांड सेंटर में, और बीच में ये वाला जो टोकन है या ये भी आपको मिलेगा कंप्लीट आप करोगे मटेरियल वगैरह देके। कमांड सेंटर यानी कि आपको यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट करना है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक लीडर बोर्ड का ऑप्शन भी होगा न्यू एज, जहाँ पे बड़ा सा लिखा है उसके एग्जैक्टली नीचे। तो ये रहेगा बुया पिन कैसे मिलेगा था हम सभी लोगों को। तो यहाँ पे रेंडमली मेरे ख्याल से 100 बंदे यहाँ पे दिए जाएंगे, और जो भी यहाँ पे टॉप 10 में होगा उसको पिन मिलेगा, 20 में होगा उसको भी पिन मिलेगा। लेकिन ये रिवॉर्ड हमारे सर्वर में थोड़े बहुत चेंज हो गए, क्योंकि अभी मैं फिलहाल हूँ सिंगापुर के सर्वर में। तो कमांड सेंटर से क्या होगा, बेसिकली आप मटेरियल आपको मिलते रहेंगे, आपको प्रति ओवर यहाँ पे कुछ मटेरियल मिलेंगे, और उसका आप कमांड करोगे, यानी कि यार कमांड सेंटर से आप मतलब कि ऑर्डर कंप्लीट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, रिवॉर्ड में टोकन मिल रहे हैं। तो ये टोकन बेसिकली यहाँ पे लीडर बोर्ड में ये वाला टोकन का इस तरह से यूज होगा, थर्ड वाला टोकन। तो इससे क्या होगा, टाउन हॉल अपग्रेड होगा। तो यानी कि दो मटेरियल मैंने आपको बताए थे, एक तो पावर स्टेशन से एनर्जी वाला टोकन, और ये हमारा क्या बोलते हैं फर्नेस से दूसरा टोकन मिल रहा था, और ये पहला वाला टोकन। तो पहला वाला टोकन आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तीन यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट करोगे तो 100-100 के मुकाबले यहाँ पे तीन ऑर्डर आप देख सकते हो, 300 टोकन हो जाएंगे, तो लेवल 3 का टाउन हॉल आप कर पाएंगे। तो अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन कॉल पर डाल दीजिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन ओपी वाली आपको मिलती रहेगी। और यार 140,000 सब्सक्राइबर्स जरूर से हमारे कंप्लीट करवा देना। तो अभी देखो जैसे अभी मैंने आपको फ्रेंड की हेल्प करके बताई थी, तो अभी मैं दो आईडी से आपको बता रहा हूँ ताकि और आपको मुझे सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अभी जो रोबोपेट उड़ रहा है ना वहाँ पे ये सब लिखा हुआ आएगा। तो अभी देखो मैं फिर से यहाँ पे मेरे फ्रेंड मतलब कि यहाँ से आप देखो प्रति ओवर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी फिर से मैंने वहाँ पे टैप किया, ऐसा आपको यहाँ पे बार बार करते रहना पड़ेगा ताकि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ होगा, फैक्ट्री है तो प्रोडक्ट तो बने, तो वहाँ पे आपको टैप करते रहना पड़ेगा ताकि आपके स्टोर में तुरंत वो प्रोडक्ट होगा वो चला जाएगा, एनर्जी वाला टोकन या फिर कोई और टोकन। तो ये हो गया। अभी देखो मैं फ्रेंड के यहाँ पे लॉगिन वाला एक बच्चा है, तो लॉगिन में बस आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है ज्यादा, पीक डे के दिन यहाँ से आपको 80 पेड मिलेगा, तो यही सीन होगा। बाकी यार यहाँ पे लॉगिन कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स यार आज के इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है। बाकी केमिकल वाली जो फैक्ट्री है उससे भी आपको एक डिफरेंट टाइप का टोकन मिलेगा, जहाँ पे डेली रिफ्रेश होगा कमांड सेंटर हमारा, जो बीच में ऑर्डर करना है ना मतलब कि ऑर्डर कंप्लीट करना है तो चेंज होता रहेगा प्रोडक्ट, तो आपको बस बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट जहाँ से आपको टोकन मिलेंगे। और ये जो माइनिंग स्टेशन है वो आपको लेवल 6 का टाउन हॉल करना पड़ेगा, केमिकल प्लांट के लिए लेवल 3 का प्लांट आपको करना पड़ेगा, फिर वही प्रोसेस रिपेयर करोगे तो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव से आपको वो प्रोडक्ट मिलते रहेंगे, प्रोडक्ट का वहाँ पे आप देख ही सकते हो सीन। तो इस तरह से यहाँ पे वीडियो कैसा लगा जरूर से बता दीजिएगा। तो मिलते यार किसी और नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।